दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे न्यूली लॉन्च गैजेट्स के बारे में जो कि अभी हाल ही में मार्केट के अंदर आए हैं और धूम मचा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आते हैं इस तरीके के गैजेट तो दिवाली सेल पर खरीद सकते हैं आप इन्हें। और दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी हम आपके लिए दिवाली पर कुछ स्पेशल वीडियोस लाने वाले हैं जो कि खास तौर पर Amazon और Flipkart पर आने वाली सेल से जुड़े हुए गैजेट्स पर बेस्ड रहेगी, जिन्हें की काफी कम कीमत पर आप इस सेल में खरीद सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 8, GoPro Hero 10। दोस्तों GoPro कैमरास हमेशा से एक बेहतरीन एक्शन कैमरास माने जाते रहे हैं, जिनका इस्तेमाल इंटरनेशनली बहुत लोग कर रहे हैं, फिर वो चाहे एक यूट्यूबर हो या फिल्म मेकर। एक्शन कैमरा में सबकी पहली पसंद GoPro ही होता है और अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है GoPro Hero 10, जिसमें आपको और भी नेक्स्ट लेवल फीचर्स देखने को मिलेंगे। इस कैमरा में आप 4K के साथ 5.3K की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 60fps पर। साथ ही ये कैमरा आपको 4K रिकॉर्डिंग 120fps पर और 2.7K की रिकॉर्डिंग 240fps पर देता है, जो कि काफी हाई क्वालिटी है। साथ ही इसमें आपको हाइपर स्मूथ का फीचर देखने को मिलता है, जो कि इसे एक बेहतरीन एक्शन कैमरा बनाता है। और वहीं दोस्तों एक्शन कैमरा होने के साथ ही साथ ये एक व्लॉगिंग कैमरा भी है, इसलिए यहाँ पर आपको डुअल डिस्प्ले के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसा कैमरा खरीदना चाहते हैं जो कि एक बेहतरीन एक्शन कैमरा भी हो और व्लॉगिंग कैमरा भी, तो ये चीज आपके लिए काफी कमाल होने वाली है। नंबर 7, Xiaomi 11T Pro। दोस्तों अगर आप एक ऐसा मोबाइल फोन चाहते हैं जहां पर आपको बेहतरीन मोबाइल फोन के साथ साथ बेहतरीन कैमरा भी देखने को मिल जाए, साथ ही उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी जबरदस्त हो, तो ये Xiaomi की तरफ से आने वाला फोन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों इसकी खास बात ये होती है कि यहां पर आपको 6.67 इंचेस की सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, जिसमें की गेमिंग करना एकदम सुपर स्मूथ रहेगा। और साथ में इसके आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 888 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बेहतरीन बना देता है इसकी परफॉर्मेंस को। इस फोन में आपको मिल जाती है 5000mAh की बैटरी, जो कि आपके 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, जिससे कि सिर्फ 10 मिनट में ही इसे फुली चार्ज किया जा सकता है। तो काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करता है Xiaomi यहां पर आपको। लेकिन दोस्तों इसका सबसे कमाल का फीचर होने वाला है इसका कैमरा। यहां पर आपको ट्रिपल कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जहां पर प्राइमरी सेंसर आपका 108 मेगापिक्सल का रहेगा, जो कि आपको 8K वीडियोस रिकॉर्ड करने के भी ऑप्शन देता है। साथ ही दोस्तों इससे आप 4K वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो काफी एडवांस लेवल का ये हो जाता है फोन। अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसे एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। नंबर 6, ग्रीन डिस्क। दोस्तों आपको याद होगा कि जब हम लोग बचपन में अपनी बाइसिकल में ऑयल डाल दिया करते थे तो उसकी स्मूथनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती थी, तो हम में से बहुत सारे लोग इस मूवमेंट को फील कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों उस समय अगर आपने गौर किया होगा तो जब हम लोग चेन में ऑयल डालते थे तो काफी सारा ऑयल यूं ही जमीन में गिर जाता था, तो इससे ऑयल तो वेस्ट होता ही है और साथ ही साथ पूरी चेन में ऑयल लग भी नहीं पाता है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को, जो कि एक ऐसा गैजेट होगा जो कि ऑयलिंग करने में आपकी साइकिल में मदद करेगा। दोस्तों इसे बस आपको चेन पर लगाना होता है, जिसके बाद आप इसे चेन पास लगाकर गोल गोल घुमाते हैं जब इसके पैडल को, तो चेन जब इससे होकर गुजरती है तो उसमें ऑयलिंग खुद ब खुद हो जाएगी, जिससे कि ना तो आपके हाथ गंदे होंगे, ना तो ऑयल वेस्ट होगा और कहीं ना कहीं साइकिल चलाने में स्मूथनेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो साइज में बेहद छोटा सा होता है ये गैजेट, जो कि बेहद सिंपल सा रहेगा, जिससे कि आप कहीं भी इजिली लेकर कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस जरूर से शेयर करिएगा कि क्या ऑयलिंग करने के बाद आपकी साइकिल की स्मूथनेस वाकई बढ़ जाती थी या नहीं। नंबर 5, Sabentec Sync Mic। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं या व्लॉगर हैं तो आपको जरूरत पड़ती है एक ऐसे माइक की, जिससे कि आप अपनी वीडियोस में बेहतरीन क्वालिटी की ऑडियो डाल सकें। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से माइक को, जो कि इस काम के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। नॉर्मल अगर आप अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपका जो मोबाइल फोन का इंटरनल माइक होता है वो उतना बेहतरीन नहीं परफॉर्मेंस देता। तो दोस्तों यहां पर ये चीज आपके लिए काफी बेहतर रहेगी, जो कि एक ऐसा एक्सटर्नल माइक होगा जिसे कि आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करा देते हैं, जिसके बाद आप फ्रीली इस माइक का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये आपके मोबाइल ऐसे ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट होता है, जिससे कि अगर फोन दूर भी होता है तब भी आपकी आवाज एकदम क्लियर आएगी, अगर आपने हाथों में माइक पकड़ के रखा है। साथ ही दोस्तों इससे आप रियल टाइम में अपनी वॉइस को भी सुन सकते हैं, बस इसमें आप अपने ईयरफोन या फिर हेडफोन लगाइए, ये माइक आपको रियल टाइम में भी आपकी वॉइस सुनाता है। साथ ही दोस्तों इस तरीके का माइक का इस्तेमाल आप अपने मोबाइल फोन के साथ साथ अपने कैमराज में भी कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। इस माइक को इतना ज्यादा साइज में छोटा बनाया गया है कि आप इसे कहीं भी लेकर इजिली कैरी कर पाएंगे। इसके माइक का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसमें LED लाइट्स लगी होती है, जो कि जब आप इसमें बोलेंगे तब वो ब्लिंक करती है, चीज काफी ड्रामेटिक लगेगी। साथ ही दोस्तों ये बैटरी पर ऑपरेट करता है, जिसे कि सिंगल चार्ज पर लगभग आप इसे 20 घंटों तक इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके का माइक कम बजट में रहकर आपको काफी बेहतरीन ऑप्शन देता है, जो कि मुझे भी पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग सा लगा है। नंबर 4, Olight Open Pro।
दोस्तों नॉर्मल पेन का यूज तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अब मैं दोस्तों आपको एक ऐसा पेन दिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल आप पेन के साथ साथ एक छोटी सी टॉर्च और एक छोटी सी लेजर लाइट के तौर पर भी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखने में तो ये एकदम नॉर्मल पेन जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर इनबिल्ट रहती है एक छोटी सी लेजर लाइट जिसका इस्तेमाल आप खेलने के साथ साथ चीजों को पॉइंट करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्टर वगैरह पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक बेहतरीन पॉइंटर की तरह काम करेगा आपके लिए, जिससे कि आप चीजों को बेहतरीन तरीके से लोगों को समझा पाएंगे। साथ ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी एलईडी टॉर्च भी दे रखी होती है, जिसे कि आप जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसकी ब्राइटनेस को भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे, और ये आपके लिए एक नॉर्मल पेन की तरह तो काम करेगा ही, जिसे कि हमेशा आप अपने साथ में लेकर कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये छोटा सा पेन पसंद आया हो तो इसे एक लाइक तो दोस्तों मिलना ही चाहिए। नंबर थर्ड, Xiaomi स्मार्ट ग्लासेस। दोस्तों स्मार्टफोन की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने जितनी तरक्की करी है इस बात से तो सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा भी आएगा जब स्मार्टफोन आउटडेटेड हो जाएंगे और हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऐसे ग्लासेस का जो कि आपके मोबाइल फोन की तरह ही काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी भी अब कोई बहुत दूर नहीं है और बेसिक लेवल पर मार्केट में कुछ ऐसे गैजेट्स अवेलेबल भी हैं जो कि आपको ऐसे फीचर्स देते हैं। तो Xiaomi की तरफ से आने वाले ये स्मार्ट ग्लासेस आपको ये सारी फीचर्स देते हैं, जहां पर आप कॉलिंग, कैमरा, मैसेजिंग और नोटिफिकेशन रिलेटेड काफी सारे काम कर सकेंगे। इन लेंसेज में आपको माइक्रो डिस्प्ले दे रखी होती है, जिससे कि आप सारी चीजों को एकदम क्लियरली देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर साइड में लगा होता है एक छोटा सा कैमरा, जिसकी मदद से आप फोटोज वगैरह भी क्लिक कर पाएंगे। ये ग्लासेस आपके मोबाइल फोन से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि मोबाइल फोन पर आने वाली नोटिफिकेशन भी इसमें इजीली शो होगी। तो इस तरीके के ग्लासेस हो सकता है इससे पहले आपने ना देखे हो, लेकिन इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से आजकल एक्सपेंड हो रही है, जो कि फ्यूचर में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। नंबर सेकंड, Samsung कियोस्क। दोस्तों बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर सेल्फ सर्विस का सिस्टम होता है, जैसे कि बैंक्स वगैरह होती हैं जहां पर जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको कूपन लेने का काम, पासबुक प्रिंट कराने का काम, यहां तक कि चेक लगाने तक का काम आप स्वयं कर सकते हैं, जिसके लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती, बल्कि इस तरीके की मशीनें ही इस काम को बड़ी आसानी से कर देती हैं। तो दोस्तों Samsung भी आपको एक ऐसी सुविधा देता है जिसे कस्टमाइज करके इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आप भी अपने ऑफिस में या फिर अपने रेस्टोरेंट वगैरह में एक ऐसा सेल्फ सर्विस वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको एक बड़ी सी डिस्प्ले दे रखी होती है जो कि इंटरेक्शन का काम करेगी, ये डिस्प्ले टच स्क्रीन होती है। साथ ही इसमें आपको बारकोड स्कैनर, प्रिंटर, NFC और भी बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे होते हैं, जिससे कि इसका इस्तेमाल ऑर्डर लेने या फिर पेमेंट वगैरह करने के लिए भी किया जा सकता है। तो काफी कमाल की ये मशीन होने वाली है, जो कि सेल्फ सर्विस के एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है, जिससे पैसे और मैन पावर दोनों की ही बचत होने वाली है। तो अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर हो या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आपको पब्लिक सर्विसेज देनी होती है, तो वहां पर इस तरीके की मशीन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 1, Arclight बाइक पेडल्स। दोस्तों अगर आप एक प्रोफेशनल साइक्लिस्ट हैं तो ये आपको लाइटिंग्स काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं। दोस्तों ये एक तरीके की पैडल लाइट होती हैं, जिन्हें कि आपको पैडल में अटैच कर देना होगा, और यहाँ पर आपको डुअल LED के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको रेड और मून लाइट दोनों ही कलर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इनकी कमाल की बात तो ये होती है कि जब आप इन्हें पैडल के आगे की तरफ लगाते हैं तो ये व्हाइट कलर में, और बैक पर ये आपकी रेड कलर में जलती हैं। साथ ही इनका ग्लो काफी दूर से विजिबल होता है, जो कि सेफ्टी पर्पस काफी सही रहेगा, और रात के समय अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो काफी हद तक ये आपकी सेफ्टी को इंश्योर करती हैं। इस तरीके की लाइटिंग का इस्तेमाल आप एक टेल लाइट और हेडलाइट की तरह भी कर सकते हैं, जिन्हें कि बस आप इसके मैग्नेटिक अटैचमेंट के जरिए कहीं भी अटैच कर पाएंगे। तो इस तरीके की लाइटिंग बेहद कमाल की रहती है, जो कि चार्जिंग बेस्ड होती है, जिन्हें कि आप इजीली निकालकर USB पोर्ट से चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो होती दरअसल ये एक तरीके की पैडल लाइट्स है, लेकिन इनके इस्तेमाल आप अपनी जरूरत के हिसाब से काफी जगह कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है और सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है। वहीं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।